ज्यादातर लोग चाय या कॉफी के सेवन को सेहत के लिए नुकसानदेह मानते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में इन्हें लेना स्वास्थ्य को लाभ ही पहुंचाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का एक शोध कहता है कि कॉफी पीना आपकी किडनी की सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। शोध की माने तो दिन में 3 कप कॉफी पीना सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाता। कम मात्रा में चाय कॉफी पीना नुकसान नहीं पहुँचाता। यह शरीर के लिए दवा का काम करता है। इनका कम मात्रा में सेवन शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित जिन रोगियों ने दिन में 3 कप कॉफी का सेवन किया था, उनमें मृत्यु दर का खतरा काफी कम पाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो लोग दिन में 2 या 2 से ज्यादा बार कॉफी पीते हैं, उनका जीवन 12% बढ़ता है, जबकि दिन में 3 या इससे ज्यादा बार कॉफी पीने वालों का जीवन 24% तक बढ़ जाता है। नई दिल्ली स्थित एम्स में कार्यरत डाइटिशियन वसुंधरा सिंह ने आज बातचीत में चाय कॉफी से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां साझा की हैं। कॉफी सेहत के लिए लाभकारी। कॉफी के बीज में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा और भी पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद है। यह एनर्जी ड्रिंक भी है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सही रखते हैं। कॉफी में मौजूद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट रुखे झड़ते बालों को फायदा पहुंचाते हैं। यह त्वचा को चमकदार बनाने का काम भी करते हैं। चेहरे के लिए कॉफी स्क्रब का इस्तेमाल किया जाए तो इससे त्वचा के खुले पोर्स बंद हो जाते हैं। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी तत्व त्वचा की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर भी करते हैं। असरदार चाय दिन की शुरुआत करनी हो या काम के तनाव को दूर करना हो या बात खातिरदारी की हो, सबसे पहले जिस पेय पदार्थ का नाम आता है वे है चाय। चाय भी सेहत को कई लाभ पहुंचाती है। चाय भी कई तरह की होती है, मसाला चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, दूध वाली चाय आदि। अलग अलग तरह की चाय सेहत को अलग अलग लाभ पहुंचाती है। मसाला चाय एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल स्वास्थ्य को बूस्ट करने में मदद करता है। इससे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स भी खत्म होते हैं। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी करती है। चाय में लौंग डालकर पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। लौंग की चाय में सेलाइवा तत्व, मैग्नीशियम तत्व होते हैं जो अपच की समस्या को दूर करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं। सेहत के लिए जरूरी चाय। कॉफी, चाय या कॉफी को संतुलित या कम मात्रा में लेना शरीर के लिए मेडिसिन का काम करता है। इनमें फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। खाना खाने के समय चाय या कॉफी नहीं लेनी चाहिए। चाय कॉफी में टेनिन होता है जो भोजन से आयरन अवशोषित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है। चाय कॉफी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। ज्यादा मात्रा में इन्हें लेने से नींद न आना जैसी समस्या हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले चाय या कॉफी लेना कम नुकसानदायक होता है। सेहत के लिए जरूरी चाय। कॉफी, चाय या कॉफी को संतुलित या कम मात्रा में लेना शरीर के लिए मेडिसिन का काम करता है। इनमें फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। खाना खाने के समय चाय या कॉफी नहीं लेनी चाहिए। चाय कॉफी में टेनिन होता है जो भोजन से आयरन अवशोषित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है। चाय कॉफी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। ज्यादा मात्रा में इन्हें लेने से नींद न आना जैसी समस्या हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले चाय या कॉफी लेना कम नुकसानदायक होता है।